अऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 14 मई सन 2020, 21वीं शब है रमज़ान की और 20 रोज़े हो चुके हैं। आज भी आप जो देखें दुनिया भर में जो लोग इंतहाई निगहदाश्त के वार्ड्स में मौजूद हैं एडमिट, जो ICU के अंदर हैं या जो हाई डिपेंडेंस यूनिट के अंदर हैं हॉस्पिटल में, उनकी तादाद पूरी दुनिया में आज फिर मतवातर जब कमी की तरफ थी उसी तरफ जा रही है। कल वो 46,120 थी, आज ये 45,800 समथिंग हो चुकी है। तो इस वक्त कल 46,120, आज 45,844 इस वक्त तक की जो फिगर्स हैं। और अगर हम देखें तो ये 60 तक पहुंच गई थी, तो बजाय 60 से वो 70, 80, 90 पे जाने के वो नीचे की तरफ आई, और अब कंसिस्टेंटली वो नीचे की तरफ है। और क्रिटिकल कंडीशन से हम अंदाज़ा कर सकते हैं कि कल सूरत हाल क्या होने जा रही है। पाकिस्तान की सूरत हाल भी आपके सामने है। कल की जो डेथ इन्होंने रिपोर्ट की है वो 37, और आज की जो डेथ रिपोर्ट हुई है अब तक वो 9 रिपोर्ट हुई है। अगेन ये वही नॉइस सिग्नल कुछ भी नहीं है हमारे पास कि हम इसको डिटेक्ट कर सकें, जहाँ पर डेथ्स हंड्रेड्स में रिपोर्ट्स हो रही थी, जिन लोगों से हम कंपेयर कर रहे थे जिनका इस वायरस के साथ टोटल एक्सपोजर के लिए जो जितने दिन चाहिए थे दुनिया में और हमारे जितने दिन गुजरे हैं उसको अगर आप देखें तो हमारी जो डेथ है वो बहुत नीचे है। सिर्फ हमारी डेथ नीचे नहीं है, आपको ये पता होगा कि अगर दुनिया की आधी आबादी जो कि लो इनकम या मिडिल लो इनकम वाली जो कंट्रीज़ हैं उनके यहाँ जो आबादी जो उनकी है वो दुनिया की आबादी का आधा हिस्सा रखती है, लेकिन जो डेथ उन्होंने कंट्रीब्यूट किया है या जो डेथ डाटा के ऊपर जो अपेयर हुआ है वो 2% है। तो अगर फर्स्ट कर लीजिए दुनिया में 10 लोग रहते हैं, 5 लोग वो हैं जो गरीब लोग हैं, तो उनमें जो डेथ है वो 2 है, और जो उधर जो डेथ है वो 98% है, एंड विच इज़ सिग्निफिकेंट। और इसके सवाल के जवाब कई इशारे हमें साइंस ने दिए हैं जो हमने आपसे शेयर किया है कि इधर उम्र भी छोटी है, इधर उम्र दराज लोग कम हैं, वनरेबल उस तबके में जो अमीर तबका है, अमीर ममालिक हैं, वहाँ उम्र दराज लोग ज़्यादा हैं। उन इन्वायरमेंट में हमें कुछ पोल्यूशन ज़्यादा नज़र आता है, इस इन्वायरमेंट में कुछ पोल्यूशन कम नज़र आता है। वहाँ पर क्लोज वेसिनिटी में लोग घूमने के आदी हैं, मॉल्स बड़े बड़े हैं, सबवेज हैं, इन ममालिक में ये बहुत कम है, धूप ज़्यादा है, गर्मी ज़्यादा है। तो बाकी जेनेटिकल फैक्टर्स भी होंगे जो वक्त आने के साथ चीज़ें और सामने आएंगी कि क्या वजूहत है, लेकिन ये बड़ी क्लियर बात है WHO का वो जो 26 मार्च की रिपोर्ट थी जिसमें कहा था कि 4 करोड़ लोग इस साल कोविड से के शिकार हो जाएंगे, अमवात हो जाएगी। फिर कहा कि अगर हम कुछ करेंगे, डिस्टेंसिंग करेंगे और ये करेंगे, अस्पताल को इम्प्रूव करेंगे, तो उनके मुताबिक हम 2 करोड़ कम कर लेंगे। लेकिन उन्होंने ये बड़ा वाज़हा ये अल्फाज कहे थे कि इन 2 करोड़ में जो मेजर कंट्रीब्यूशन होगा वो लो इनकम वाली कंट्रीज़ का होगा, कि उनके पास पैसे नहीं हैं, उनके पास डॉक्टर नहीं हैं। और यकीनन वेंजुएला या आपका थाईलैंड या बांग्लादेश या म्यांमार या पाकिस्तान या अफगानिस्तान, इस सूरत हाल में अस्पतालों की सूरत हाल, हेल्थ केयर की सूरत हाल बहुत तशवीशनाक हद तक नीचे है, लेकिन जो डेथ रिपोर्ट है वो आपको बता दूँ। ये भी हमने देखा कि ये जो बात है कि ये वायरस बहुत सेलेक्टिवली एजेड लोगों पर टारगेट कर रहा है, यकीनन जो लोग इस वायरस का शिकार हो रहे हैं उनमें एजेड लोगों की मौजूदगी बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये भी हकीकत है कि उम्र दराज लोग जो सेंचुरियाँ गुजारे हुए लोग हैं, पाकिस्तान में शायद बहुत कम हो, बाहर तो बहुत सारे हैं, वो कोविड से इन्फेक्ट हो रहे हैं और उसके बाद वो कोविड से रिकवर भी हो रहे हैं। चाहे ब्राज़ील हो, चाहे वो स्पेन हो, चाहे इटली हो, चाहे US हो, चाहे फ्रांस हो, हमने जर्मनी हो, हमने देखा कि 100 साल से बड़े लोग, 113 साल की जो कल स्पेन से जो लेडी हैं वो सेहतमंद होकर बाहर आई हैं, तो इस तरह की सूरत हाल, और 70 से ऊपर तो बहुत सारे लोग हैं। तो ये बात बिल्कुल ये सही नहीं है कि जो उम्र दराज है उसने कोविड का शिकार हो जाना है, ये बात कतई तौर पे भी सही नहीं है। यस, जो लोग शिकार हो रहे हैं उनमें उम्र दराज लोगों का जो वॉल्यूम है वो ज़्यादा है, वो किसी भी अमवात में उठा लीजिए आप,
जो उम्रदराज लोगों की जो डेथ होती है वो ज़्यादा ही होती है, किसी भी जो डेथ रेट सबसे ज़्यादा जो मिलेगा वो हाई एज ग्रुप में मिलेगा, क्योंकि वो लाइफ का भी एक साइकिल का अंदाज़ है, पूरी दुनिया में जब से बनी है तो वही अंदाज़, वही पैटर्न, वही रुझान इसके साथ भी है, कोविड के साथ भी है। लेकिन कोविड जो जो तरीका जिस तरीके से मार रहा है वो अब खासा नज़र आ रहा है कि वो किस तरह खून जम रहा है लंग्स के अंदर, और किस तरह रीनल फेलियर्स हो रहे हैं, किस तरह कार्डिक फेलियर्स हो रहे हैं, किस तरह जो है वो ओबेसिटी इसमें कंट्रीब्यूट कर रही है। बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आ गई हैं, बहुत सारी चीज़ें आती जा रही हैं। तो ये था इसका मौजू, WHO का ये आज एक खबर जो कि पब्लिक के लिए बहुत इंटरेस्टिंग खबर है, शायद आम लोगों के लिए, और बहुत उनको खदशात हैं, बहुत परेशानी बढ़ा रही है, क्योंकि ये खबर मुझे कई लोगों ने आज भेजी कि ये वायरस ज़िंदगी भर साथ रहेगा, अब ये वायरस कहीं नहीं जा रहा। तो भाई दुनिया में कौन सा जानदार कहाँ चला गया है, इंसान भी तो ज़िंदगी भर साथ रहेगा, वायरस भी तो ये छाप रहा है कि इंसान भी रहेगा, गाय भी रहेगी, भैंस भी रहेगा, पहले जो बैक्टीरिया वायरस आए क्या वो चले गए? हमें तो ये और बात है कि उनकी जो बीमारी फैलाने की शिद्दत थी बहुत कम हो गई। एक ज़माने में डेंगू ने तूफान मचाया था, एक ज़माने में मलेरिया ने तूफान मचाया था, जो हमें अपनी याददाश्त में होगा, कभी कॉलरा ने मचाया था, कभी टाइफाइड ने मचाया था, पाकिस्तान में चंद दिन पहले एड्स ने मचाया था, सिफिलिस यहाँ पे था, गोनोरिया यहाँ पे था, मम्स थे, मीजल्स था, सब कहाँ गए? स्मॉल पॉक्स के बारे में सिर्फ ये है हमें कि स्मॉल पॉक्स का वायरस अब इस दुनिया में नहीं है, यकीनन इंसानों में शायद नहीं है, और ये बात वाकई सेलिब्रेट भी की गई है दुनिया में आज से 40 साल पहले, जब स्मॉल पॉक्स ख़त्म करने का अनाउंस किया गया था। लेकिन लेबॉर्ट्रियों में तो आज भी स्मॉल पॉक्स के यकीनन वायरस मौजूद होंगे, जब भी तो वैक्सीन हम बना रहे होते हैं और रेफरेंस के तौर पर तो होंगे। तो बहुत सारे वायरस इनफेक्टिव हो गए, सार्स इनफेक्टिव हो गया, मर्स इनफेक्टिव हो गया, जीका इनफेक्टिव है, इबोला फिलवक्त कंटेनमेंट के अंदर है, ये सब डेडली वायरस थे। H1N1 बड़ा कंट्रोल में है, कोल्ड सीजनल कोल्ड के जो वायरसेस होते हैं, तो वायरस कहीं नहीं जाता, लेकिन उसके पास बीमारी फैलाने की जो सलाहियत है वो कम हो जाती है, उसके दांत कमज़ोर हो जाते हैं आम लफ्ज़ों में, तो ये परेशानी की बात नहीं है। मसलन जिन लोगों ने कोविड से पॉजिटिव हुए थे और अब वो नेगेटिव हो चुके हैं, जैसे सईद गनी साहब हो गए, गवर्नर साहब हो गए, तो वो आराम से घूमें, वो कोविड से गए दोबारा आके मुझे लगो। साइंटिफिक जो थ्योरीज हैं वो ये बात कहती हैं कि अब उनमें एंटीबॉडीज़ आ गई हैं, और जब भी तो WHO, अमेरिका, जर्मनी, फ्रांस, इंग्लैंड, इंडिया, चाइना, एवरीबडी इज़ लुकिंग फॉर वैक्सीन। वैक्सीन क्या है? इन्हीं वायरस को के टुकड़ों को कुछ हमने लगाना है ना बॉडी में, ताकि बॉडी में डिफेंसिव मैकेनिज्म एंटीबॉडीज़ बना ले। तो जब वो टुकड़ों से एंटीबॉडीज़ बना लेगा तो जो साबुत जाएंगे उस एंटीबॉडीज़ नहीं बनी होंगी, तो उनको तो वायरस वो वैक्सीन लग गई उन लोगों को जो लोग से वो हो चुके थे, तो उनके लिए तो अब कोविड कुछ भी नहीं है। अगर फर्स्ट करें मैं कोविड से वो हो चुका हूँ, पॉजिटिव होने के बाद सेहतमंद हो चुका हूँ, तो अब कोविड से मेरा कोई ताल्लुक नहीं है, ना मैं कोविड से डरूंगा। तो आने वाले दिनों में इंशाल्लाह कोविड के लिए रास्ते बंद हो जाएंगे, दरवाजे बंद हो जाएंगे कोविड के लिए। तो कोविड भले जितना रहना रहो भाई, और भी तो रह रहा है, सार्स भी तो है, मर्स भी तो है, आपका H1N1 भी तो है, गनोरिया भी तो है, पोलियो भी तो है ही है ना यहाँ पर, लेकिन चांसेस रोकने की कोशिश की जा रही है, देखते हैं आगे इसमें। तो इसलिए ये कोई परेशानी की बात नहीं है, मुझे समझ में नहीं आया WHO ने अचानक ये सनसनीखेज क्यों अवाम में फैला दिया, पहले अवाम को बताते हैं, बाकी सब भी यही है, जो 10 साल पहले हम समझ रहे थे ख़त्म हो गया है, अब दुनिया के वायरोलॉजिस्ट इस और बैक्टेरियोलॉजिस्ट इस बात पे कंसर्न है कि वो दोबारा असर ना उठाए। मैंने गुज़िश्ता 2 दिन पहले कहा था कि वो गया कहाँ, उसको देखिए, वो किस शक्ल में आएगा, उसके लिए सोचिए, वक्त से पहले सोचिए, ताकि हम उसको डील कर सकें। खैर, तो कहीं नहीं जा रहा कोई भी, और वो उसके बहरहाल नुकसान पहुंचाने की जो असरात हैं वो बहुत कम हो जाएंगे, जैसा कि और सबके कम हो गए। तो ये बात तो हकीकी बात थी, ये इसमें सनसनी फैला के बताने की क्या जरूरत थी कि वायरस कहीं नहीं जा रहा, तो वायरस हमने कहाँ भेजना था, उसको अंटार्कटिका भेजना था, कहाँ भेजना था हमने, कोई ये बॉडी थोड़ी है उसको दफन कर देना, भाई इंसान रहेंगे तो वो भी रहेगा तो रहे, लेकिन इंसान उसको जगह ही नहीं देगा जिसमें वैक्सीन आ जाएगी या जिसमें एंटीबॉडीज़ बन जाएगी। तो इसलिए इसमें परेशानी की कोई बात नहीं है, कोई नई बात नहीं है, ये फ्री में सनसनीखेज वही है, इसका 26 मार्च की रिपोर्ट फैलाई गई थी कि 4 करोड़ लोग मर जाएंगे, और जो हमने तो बता दिया है जो गरीब ममालिक हैं वहाँ
भूख का मसला पैदा हो जाएगा, गरीब ममालिक में जो है वो करोड़ों लोग रोड पे पड़े मर जाएंगे। यही नक्शा भेजा गया था इम्पीरियल कॉलेज ऑफ लंदन की जो रिपोर्ट है 26 मार्च की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने जो रिपोर्ट जारी की थी, पढ़ के देख लीजिए। आप ही ने कहा था ना कि एंटीबॉडीज नहीं बन रही, अब तो आप ही कह रहे हैं कि एंटीबॉडीज बन रही हैं। आप ही ने कहा था ना कि जी वो ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं फैलता, गैर जरूरी होगा पाबंदी लगाना, WHO ने ही कहा था ना ये बात। तो सनसनी खेज क्यों फैला रहे हैं, ये समझ से बालातर है। कोई ना कोई, मुझे लगता है कि इसके पीछे कोई और बात भी है। तो इसलिए सनसनी खेज बातों से परेशान ना हो, कुछ भी इसमें मसला नहीं है। हर वायरस रहेगा, हर वायरस रहता है, तो उससे ये पेंडेमिक है ना, ये एपिडेमिक हो जाएगा, फिर एंडेमिक हो जाएगा, फिर ये क्लस्टर तक चला चला जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसके पास जो है कभी नहीं हुआ, चोटी ख़त्म कर दें, खटमल ख़त्म कर दें, मच्छर ख़त्म कर दें, जीरो नहीं हो सकता, ठीक है। तो इसलिए परेशानी की वो बात नहीं है जितना कि इस खबर से सनसनी फैल गई। आज की एक और बात ये है कि जी वो एक रिपोर्ट 2-3 दिन पहले पब्लिश हुई है, वो है सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल अटलांटा की रिपोर्ट है कि अमेरिका में वॉशिंगटन में जहाँ पर वो गाना गाना सीखा करते थे या प्रैक्टिस करते थे अपने चर्च के अंदर, तो वो साथ इकट्ठे गाना गाते थे और इकट्ठे वो म्यूज़िक बजाया करते थे, तो 2.5 घंटे की हर मंगल को जाया करते थे। ये अजीब और एक टिपिकल केस है जो समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये मंगल मंगल जाया करते थे, 3 मार्च और 10 मार्च को भी ये गए थे वहाँ पर, जिस वक्त 10 मार्च की शाम को अमेरिका में फैला था कि लोग दूर दूर रहें सोशल डिस्टेंसिंग कर लें, लेकिन उस वक्त तक तो ये गाना गाया करते थे, 2.5 घंटे की प्रैक्टिस होती थी। तो ये चीख चीख के गाना गाते थे, आवाज़ सब निकाल के इकट्ठे चीखते थे, जब इकट्ठे बोलेंगे तो सांस लेंगे भी। तो उनमें से कोई एक इन्फेक्टेड था, वो 2-3 दिन पहले से उसकी तबीयत ख़राब थी, तो वो भी आया हुआ था। लेकिन इनके पास 122 लोग आते थे, उस दिन इत्तेफाक से इनके पास जो लोग आए थे वो 61 आए थे। तो जो 61 लोग आए इनके पास 122 में से 10 मार्च को, और यही 61 लोग 3 मार्च को भी आए थे, उनमें से एक इन्फेक्टेड था। तो जो इन्फेक्टेड था उसकी वजह से 52 लोग और इन्फेक्टेड हो गए, और ये बात 17 मार्च को उन्होंने बताया अथॉरिटी को कि हमारे जो लोग आए थे वो फिर उन्होंने खुद ही अपने आप को आइसोलेट कर लिया, वो बीमार वो इन्फेक्शन नहीं फैला। लेकिन जिस जगह पे ये थे वो सर्दी की रात थी 10 मार्च, वॉशिंगटन की सर्दी थी और वो क्लोज इन्वायरमेंट था, कॉन्टेक्ट थे, कंजेस्टेड इन्वायरमेंट इसलिए हो गया था कि आप सब इकट्ठा हो गए थे, हवा HVAC चल रही थी, हीट वेंटिलेशन एयर कंडीशन सिस्टम था, सर्द माहौल था, रात के शाम के 6 से लेकर 9 बजे तक प्रोग्राम था, बीच में आप कॉफ़ी भी ले रहे थे और बिस्किट भी खा रहे थे इकट्ठे, बातचीत भी कर रहे थे, कुर्सियाँ साथ साथ मिलाई हुई भी थी, तो इसलिए वो कंजेस्टेड था तो वो फैला। और ये हम आपसे कह रहे थे कि जबान वो बोलने से निकल सकता है, तेज़ बोलेंगे तो निकलेगा, 2.5 घंटे आप बोल रहे हैं एक ही क्लोज इन्वायरमेंट में घूम रहा है, तो वो जो उसके वो थे हम अज्यूम कर सकते हैं जो उसका वेपर्स थे या एरोसोल्स थे, माइक्रो एरोसोल्स, वो मुँह से निकले और मुँह से गए और वो उस तरह वो इन्फेक्टेड हुए। लेकिन उस इन्फेक्शन में ये हुआ कि 2 लोगों का इंतकाल हुआ, 3 लोग हॉस्पिटल पहुंचे, बाकी सब सेहतमंद हैं, 3 लोग हॉस्पिटल पहुंचे, 2 लोगों का इंतकाल हुआ। और ये बड़ी इंपॉर्टेंट है कि 87% में उससे इन्फेक्शन कॉज कर दिया, कि अगर वो 62 लोग थे तो उनमें से 61 लोग थे तो 53 लोग उसमें इन्फेक्टेड हो गए, 52 तो थे एक लेकर आया था तो 53 हो गए। उस 53 में कहते हैं कि 20 जो थे वो पोटेंशियल था और 30 जो थे उनमें सिम्टम्स थे आ गए थे, लेकिन इस वक्त सब सेहतमंद हैं, 2 लोगों का इंतकाल हुआ है। और ये बड़ा टिपिकल केस है कि एपिडेमियोलॉजी डील कैसे करती है, लेकिन इस दफ़ा तो इन्होंने खुद डील किया, इन लोगों ने खुद बताया कि भाई ये 52 लोग थे। तो होता है ना पहले ज़माने में किसी एक सब आदमी को डायरिया शुरू हो गया तो पूछना शुरू हुआ तुम्हें कैसे डायरिया हुआ, तुम्हें कैसे हुआ, तो पता लगा एक वाटर कूलर था जहाँ से सबने पानी पिया था, तो फिर उस वाटर कूलर को पकड़ा गया। इस तरह वो ट्रेस किया जाता है, इस तरह ट्रैक किया जाता है एपिडेमियोलॉजी को, इस तरह वबा को समझा जाता है कितना क्लस्टर फैलाती है, तो इसमें क्लस्टर के चांसेस नज़र आ गए। अभी तक हमारे पास कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन नहीं मिली है कि जिससे हमें पता हो कि वायरस शायद राउंड कर रहा हो बात, और हमें ऐसी कोई चाइना की या US की या इटली की कि जो पब्लिक प्लेसेस हैं मैं जहाँ पे आप जैसे वॉक करके निकल रहे हैं वहाँ पे कोई ट्रांसमिशन हुआ हो, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा मुस्तंद आदाद शुमार नहीं मिले, क्योंकि दुनिया ट्रेस कर रही है कि आप कहाँ बैठे थे, किसके पास गए थे, फिर जीनोम सीक्वेंसिंग कर रहे हैं किसको किससे लगा है, तो अभी तक ऐसी कोई बात नहीं आई है। फिर जो एक और बात है वो इसकी भी है कि
टेस्टिंग के ऊपर इतने टेस्ट हो गए, ओमान में अब इतना हो गया तो इतना वहाँ बढ़ गया, रोज़ बढ़ रहा है भाई। अब टेस्ट बढ़ा रहे हैं तो आपको रिपोर्ट ज़्यादा मिलती जा रही है। मैं आप ये अब लोगों से वाजह तौर पर कहूँगा कि नंबर ऑफ टेस्टिंग की बुनियाद के ऊपर अंदाजे लगाना छोड़ दें। आप देखें कितने लोग अस्पताल में हैं, कितने लोग अस्पताल में इंतकाल कर गए कोविड से। चलें मैं इनकी तमाम वो जो है ना, जो लोग कोविड से मर रहे थे वो देख लें आप, जिसको डिक्लेयर किया जा रहा है कोविड से, ताकि हम उसको यूँ कैलकुलेट भी कर सकें और आगे भी कर सकें। गुज़श्ता कल जो कुछ हुआ है उसको हम रिवर्स कैलकुलेट कर सकें, आगे जो कुछ होगा उसको हम कैलकुलेट कर सकें। अब इसमें बताइए, कल 35 कहते हैं इंतकाल हुआ, आज 11 कहते हैं, उससे पहले आप 18 कहते थे, कभी आप 14 कहते हैं, कभी आप 40 कहते हैं। तो कोई पैटर्न तो नहीं है ना, चाइना का ये पैटर्न तो नहीं था जहाँ से स्टार्ट हुआ, ये पैटर्न इटली का तो नहीं था, तो इसलिए परेशानी की बात नहीं है। अब जो कैलकुलेट करना पड़ेगा हमें, वो कैलकुलेट करना पड़ेगा उसके डेथ रेट से और क्रिटिकलिटी के रेट से, और जो हमें डिक्लाइन की तरफ नज़र आ रहा है। तो सेकेंड वेव अगर फर्स्ट करें आती है और आ सकती है यकीनन, और थर्ड वेव भी आ सकती है, लेकिन जो उसका पोटेंशियल है वो बहुत कमज़ोर नज़र आ रहा है। इस वक्त सब कुछ सीखना हमें इस पूरी एपिसोड से, रोज़ नई नई जो बातें आ रही हैं, नई नई जो स्टडी आ रही है, इससे सीखना पड़ेगा कि कैसे ट्रैक किया जाता है, कैसे आइसोलेट रहा जाता है, कैसे ट्रेस किया जाता है। फिर ये देखना पड़ेगा कि भाई वहाँ पे बाकी जो 8-9 लोग थे उनको क्यों नहीं हुआ, वो भी 2.5 घंटे साथ रहे थे, उनमें भी गया होगा, एक ही कमरे में थे, उनको क्यों नहीं हुआ। 20 लोगों को हम जो कह रहे हैं कि 20 लोग जो थे वो प्रॉबेबल उनमें था, भाई वो क्यों 20 लोग प्रॉबेबल थे, कन्फर्म क्यों नहीं हुआ, और ये बातें देखनी पड़ेंगी। 20 लोगों में एंटीबॉडीज़ बनी कि नहीं बनी वो देखना पड़ेगा। अगर उन 3 में भी एंटीबॉडीज़ बन गई हैं तो फिर इसका मतलब है कि उनमें कोई ऐसी चीज़ थी जिसने वायरस को जगह नहीं दिया, उन 20 और प्लस 3 लोगों में। अच्छा, वो 3 लोग जो हस्पताल पहुँचे उनमें से 2 इंतकाल क्यों कर गए, एक इंतकाल उसका क्यों नहीं हुआ, और 2 का इंतकाल क्यों हो गया, बाकी लोगों का इंतकाल क्यों नहीं हुआ। ये वो तरीक़ेकार है जिससे हम समझने में आसानी होती है कि ये मामला किस तरफ जा रहे हैं और किस तरफ खतरात मौजूद हैं। तो इस पर अपनी बात ख़त्म करते हैं, इंशाल्लाह छोटी छोटी स्टडीज़ के साथ आपके पास आते रहेंगे। इस दुआ के साथ अल्लाह ताला जल्दी से इस वबा से हमारी जान जो है वो बख्शी करे। अल्लाह ताला आपका, हम सबका, मेरा, हामी।